और गुंडा एक्ट क्यों लगाया जा रहा है? उसने ट्रैफिक पुलिस के लोग जय माता दी लिखा हुआ था गाड़ी पर, ऐसी गाड़ी का चलान कर दिया जिसका विरोध किया पिंकी चौधरी ने, और अब उस पर गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी है। कहा जाता है कि वो जहरीले भाषण देता है, जहर उगलता है। अपने धर्म के लिए लड़ने वाला एक शेर है भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी। और मैं आज के सत्ताधारियों को भी, और जो लोग सत्ताधारियों के सिपाही हैं, पुलिस वाले, उन्हें बताना चाहता हूं, अपनी गोलियां तैयार रखिए, अपने मुकदमे लिखवाने के रजिस्टर तैयार रखिए। हम लोग छाती खोलकर खड़े हुए हैं पिंकी चौधरी के साथ, भूपेंद्र तोमर के साथ। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस्लाम के जिहादियों ने नरक बना दिया। बहन बेटियों से बलात्कार हो रहा है, उसके मुकदमे नहीं दिखते, अपराधियों को छोड़ते हैं। और हिंदुओं के लड़ने वालों को हर जगह मार रहे हैं, कहीं झूठे मुकदमे लिख रहे हैं, कहीं एनकाउंटर की धमकी दे रहे हैं, कहीं नजरबंद कर रहे हैं। ये गुंडा एक्ट केवल हिंदूवादियों पर लगने के लिए रह गया, जो अपनी बहन बेटियों के, अपने धर्म के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों के खून पसीने पर ये सरकारें बनी थी, जो आज हर स्थिति में हमें कुचलने पर आ गई हैं। भगवान से डरिए, विशेष रूप से मैं नेताओं के दलाल बनके जो ये अधिकारी काम कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारी, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मौत से नहीं डरते हम, ना जेल जाने से डरते हैं। जो करना चाहो कर लो। अगर पिंकी तोमर के साथ नाइंसाफी हुई तो योगी जी के कार्यालय पर जाकर आत्मदाह करूंगा। योगी जी के कार्यालय पर जाकर पूरी दुनिया देखेगी, हमारे बच्चे यूं ही मरने के लिए नहीं है, हमारे शेर यूं ही नहीं मिटा दिए जाएंगे, हमारे शेर मिटा दिए जाएंगे और हम ऐसे देखते रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।